हे गाइज व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू रवि एडिटिंग जोन। सो गाइज आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ स्टेप से एडिटिंग सिखाने वाले हैं और सिर्फ लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। आप लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर कौन कौन सा टूल्स को यूज़ करके कुछ स्टेप से अपने फोटो को एडिटिंग कर सकते हैं। और फ्रेंड्स मेरा जो वीडियो तो थोड़ा लेट आ रहा है क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम था, ठीक है, जो कि अब प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तुम्हारा भाई रोजीना वीडियो लेके आता रहेगा। और फ्रेंड्स वो हर एक टूल्स को ध्यान से देखिएगा एंड आप इस तरह फोटो को एडिट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को करते शुरू। वीडियो को शुरू करने से पहले फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और हाँ, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं ये है मेरा रियल फ़ोटो, ठीक है। तो इसको हम आपको लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर कुछ उस टाइप से फ़ोटो को एडिट करके दिखाने वाले। और फ्रेंड्स आपको ना लाइटरूम में कुछ ऐसे टूल्स है जैसे जिसको आप अभी तक ले जानते नहीं हैं एंड उस टूल को अभी तक ले अप्लाई करके आप अपने फ़ोटो को एडिट नहीं किए होंगे। तो चलिए देखिए यहाँ से आपको शेयर कर लेना है लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। सो फ्रेंड्स फोटो को शेयर कर लेना है लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर और यहाँ से आपको इस पर क्लिक कर देना है, अपने फ़ोटो पर क्लिक करना है, ठीक है। तो आपके सामने कुछ इस टाइप से आ जाएगा और फ्रेंड्स यहाँ सब टूल्स आपके सामने भी आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखिए ये वाला फर्स्ट में जो टूल्स है ये देखिए ये वाला आपको सेलेक्ट कर लेना है एंड प्लस पे क्लिक करना है, ठीक है। और ब्रश को सेलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ से साइज़ देखिए ये है फ्लो, मेरा फ्लो जिसको कहते हैं वो है और ये है साइज़। तो आपको साइज़ को बढ़ा कर लेना है एंड अपने फेस पे जो है ना इस तरह करके ब्रश करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। आपको सिंपली उस तरह करके अपने फेस को फेस पे ब्रश कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स यही है आज का नीड टूल्स एंड आप इस तरह करके अपने फेस को वाइट कर सकते हैं, मतलब गोरा कर सकते हैं, ठीक। तो आप इस टूल्स को आप यूज़ कीजिए। अगर आपका फ़ोटो आप अपने फेस को गोरा नहीं कर पाते होंगे तो इस टूल्स को आप यूज़ करके देखिए, आपका फ़ोटो एकदम से मतलब पूरा गोरा हो जाएगा एंड आप जिस तरह करके गोरा करना चाहते होंगे उस तरह भी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सिंपली अपने फेस पे कुछ इस टाइप से करके ड्रॉ कर लेना है एंड अपने हैंड पे करना है, ठीक है। हेयर पे तो नहीं करना है, हैंड जो है वहाँ करना है। देखिए मैं इस तरह करके अपने देखिए इधर से कर लेता हूँ एंड हैंड पे भी कर लिया हूँ, ठीक है। तो सिंपली फ्रेंड्स इतना करने के बाद से आपको देखिए कलर है ना, सिंपली आपको कलर में जाना है एंड यहाँ से टेम्परेचर है इसको थोड़ा बढ़ा लेना है एंड सिचुएशन को भी बढ़ा देना है। देखिए बढ़ाते तो इसका सिचुएशन आपको कुछ बढ़ रहा है तो आपको सिचुएशन को बढ़ाना है एंड टिंट को भी थोड़ा बढ़ा लेना है। तो यहाँ इसका काम इतना ही है एंड इफेक्ट में जाना है, ठीक है। और यहाँ से टेक्सचर को हल्का सा मैनेज कर देना है, क्लैरिटी को बढ़ा देना है। देखिए क्लैरिटी को अगर आप बढ़ाते तो लाइट आ जा रहा है, देखिए आ रहा है ना। तो सिंपली आपको क्लैरिटी को थोड़ा बढ़ाना है एंड फोटो भी HD में हो जाएगा यहाँ से। और फिर इसको आपको थोड़ा मैनेज करना है, देखिए कुछ इस टाइप से करके मैनेज कीजिएगा तो लाइट आ जाएगा। तो सिंपली देखिए लाइट आ रहा है, इसको मैनेज कर लीजिएगा। डिटेल्स में जाना है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ से डिटेल्स में जाना है, नॉइज़ इसको आपको बढ़ाना है एंड शार्पनेस इसको भी थोड़ा मैनेज कर देना है। तो इतना करने के बाद से आपको यहाँ से डन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आप फोटो को देखिए बिफोर एंड आफ्टर सिचुएशन इस पर आ चुका है एंड लाइट भी थोड़ा आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ से आपको देखिए लाइट पे जाना है और लाइटरूम एप्लीकेशन आज आपको लाइटरूम एप्लीकेशन के बारे में पूरा बताने वाले हैं कौन कौन सा टूल्स को आप यूज़ करके अपने फ़ोटो को एडिट कर सकते हैं। तो इसको देखिए ब्लैक को आपको माइनस रखना है, ठीक है। ब्लैक को अगर माइनस रखते हैं तो बैकग्राउंड भी मतलब बैकग्राउंड में कलर भी एडजस्ट हो जा रहा है, लाइट भी एडजस्ट हो रहा है एंड फेस पे भी एडजस्ट हो रहा है। तो सिंपली आपको वाइट को थोड़ा बढ़ा लेना है, इसमें लाइट लाना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो वाइट को बढ़ा लेना है, शेडो को भी बढ़ाना है थोड़ा सा एंड हाईलाइट है इसको थोड़ा मैनेज करना है, ज़्यादा नहीं थोड़ा मैनेज करना है। कॉन्ट्रास्ट को आपको बढ़ा लेना है एंड यहाँ से कलर में जाना है, ठीक है। तो आप देखिए वाइब्रेंस को अगर बढ़ाते तो सिचुएशन आ जा रहा है, मैनेज करते हैं। तो यहाँ से आप इसी तरह करके फोटो को आप वाइट कर सकते हैं, मतलब फेस को गोरा कर सकते हैं। तो सिंपली आपको वाइब्रेंस को माइनस रखना है, 27 माइनस रख लेना है एंड सिचुएशन को थोड़ा बढ़ा देना है, देखिए कुछ इतना बढ़ाना है, ठीक है। तो इतना करने के बाद से आपको यहाँ से देखिए मिक्स होगा, मिक्स पे क्लिक करना है एंड आपको देखिए यहाँ से यही कलर आपको मतलब ये जो कलर टोन है ना आपको यही सब में फ़ोटो को एडिट करना है, ठीक है। तो आप ये कलर टोन को आप चलाना सीख जा रहे हैं, मतलब यूज़ करना जान जाते हैं तो आप फ़ोटो को भी से आराम से एडिटिंग कर सकते हैं। तो आपको देखिए इधर तो कुछ नहीं करना है, सिंपली ये है मेरा टी शर्ट का कलर, तो टी शर्ट का कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले टी शर्ट का कलर चेंज कर लें, सिचुएशन को थोड़ा बढ़ा लेना है इसको, ये सिचुएशन को बढ़ा लेते हैं एंड इधर ह्यू को कर लेते हैं, ठीक है। लुमिनस को थोड़ा बढ़ा लेते हैं
तो देखिए यहाँ से आपको क्या करना है, येल्लो कलर पे जाना है, ठीक है। येल्लो कलर का जो सिचुएशन है आपको 100 माइनस कर देना है। एंड यहाँ से जो ग्रीन कलर है इसका भी सिचुएशन आप 100 माइनस कर सकते हैं, लेकिन अभी हमको कुछ नहीं करना है, इसको रहने देना है। एंड सिचुएशन को भी बढ़ा लेना है और इसका ह्यू ना आपको माइनस कर देना है, ठीक है, पूरा माइनस कर लेना है। यहाँ से जाना है, इसका सिचुएशन है, इसको आपको थोड़ा ह्यू को रखना है, सिचुएशन को बढ़ाना है, ठीक है। एंड लाइट जो ब्रश लाइट है ल्यूमिनेंस इसको भी बढ़ा लेना है। एंड इस पर क्लिक करना है और इसका ह्यू थोड़ा और देखिए कुछ इस टाइप से रख सकते हैं आप। ग्रीन करना चाहते हैं ग्रीन रख सकते हैं, येल्लो करना चाहते हैं तो येल्लो भी रख सकते हैं, ठीक है। तो हम येल्लो रख लेते हैं, इसका सिचुएशन थोड़ा बढ़ा लेते हैं। एंड ल्यूमिनेंस को भी बढ़ा लेना है क्योंकि बैकग्राउंड में लाइट लाना है, अगर ये सब टूल्स को आप अप्लाई कर रहे हैं तो इतना करने के बाद से फ्रेंड्स आपको देखिए यहाँ से सेकेंड नंबर पर जाना है, इसका सिचुएशन आपको माइनस कर लेना है एंड ल्यूमिनेंस को प्लस करना है। तो देखिए ल्यूमिनेंस को अगर आप प्लस कर रहे हैं तो लाइट आ जा रहा है, ठीक है, फेस पर लाइट आ जा रहा है और अलग कुछ अलग ही टाइप का लाइट आ रहा है, ठीक है, ना फेस बन रहा है इसमें ना और कुछ बन रहा है। तो सिंपली फ्रेंड्स आपको यहाँ से इस पर क्लिक करना है फर्स्ट नंबर पे, एंड इसका जो ह्यू सिचुएशन है आपको बढ़ा लेना है एंड ल्यूमिनेंस को भी बढ़ा देना है। तो इससे क्या होगा, जहाँ जहाँ रेड रहेगा वहाँ भी एडजस्ट हो जाएगा। देन गाइस इतना करने के बाद से आपको यहाँ से डन पे क्लिक करना है एंड इसका जो वाइब्रेंस है आपको सिंपली यहाँ से इस तरह करके कुछ बढ़ा लेना है एंड फिर से मिक्स पे क्लिक करना है। इसका सिचुएशन आपको और माइनस कर देना है, देखिए कुछ इतना माइनस करके और ल्यूमिनेंस को प्लस कर देना है तो आपका फेस भी कुछ इस टाइप से वाइट हो जाएगा। एंड इसका सिचुएशन आप जो प्लस किए होंगे वो आपको माइनस कर लेना है। एंड देखिए फ्रेंड्स कुछ इस टाइप से करके आपको अपने फोटो को एडिट करना है, देख लीजिए, ठीक है। तो ये सब टूल्स आप अप्लाई कर लीजिएगा एंड डन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो लाइट रूम देखिए यहाँ से इफेक्ट पे जाना है एंड टेक्चर है ना इसको आपको माइनस कर लेना है, ठीक है। एंड क्लियरिटी को भी थोड़ा माइनस कर लेते हैं, 6 माइनस कर लेते हैं और विग्नेट है इसको थोड़ा माइनस करके और इसको थोड़ा प्लस कर लेना है ताकि पूरा लाइट भी आ जाए, एडजस्ट हो जाए सही से। एंड यहाँ से डिटेल्स में जाना है फ्रेंड्स, शार्पनिंग को बढ़ा लेना है, मार्किंग को बढ़ाना है, नॉइज डिटेक्शन को बढ़ाना है, कंट्रास्ट को बढ़ाना है, कलर नॉइज डिटेक्शन को बढ़ाना है, डिटेल्स को और स्मूथनेस को इसको भी बढ़ा देना है, ठीक है। तो आपका फोटो जो है कुछ इस टाइप से बन गया होगा, देखिए बिफोर एंड आफ्टर। तो फ्रेंड्स देखिए लीजिए आप, मेरा बैकग्राउंड जो है वो थोड़ा येल्लो ट्यून बन चुका है एंड फेस वाइट हो चुका है। तो देन इतना करने के बाद से आपको क्या करना है, देखिए आपको होंठ को कलर करना है तो प्लस पे क्लिक करके और यहाँ से फिर से ब्रश सेलेक्ट कर लेना है, साइज को छोटा कर लेना है फ्रेंड्स। एंड यहाँ से अपने होंठ देखिए यहाँ से इधर आ चुका है, इसको हम कर लेते हैं, यहाँ से आपको होंठ पे ब्रश कर लेना है, देख लीजिए कुछ इस टाइप से करके आपको होंठ पे सिंपली ब्रश करना है, ज़्यादा ब्रश नहीं करना है, थोड़ा सा करना है। कलर में जाना है और आपको ह्यू को थोड़ा माइनस कर लेना है, देखिए यहाँ से माइनस कर लीजिएगा एंड सिचुएशन को प्लस कर लेना है। ये कुछ इतना प्लस करते ही आपका मतलब लिप कलर हो जाएगा, देख लीजिए लिप में कलर हो जाएगा। एंड यहाँ से फ्रेंड्स आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल शेयर कर लेना है आपको, देखिए यहाँ से ऑटोडेस्क स्केचबुक एप्लीकेशन के अंदर। एंड आप अपने फेस को स्मूथ नहीं कर पाते होंगे सही से, तो देखिए यहाँ से क्या करना है आपको, ये वाला इस पर क्लिक करके और ये वाला ब्रश आपको हर बार बताता हूँ कि ये वाला ब्रश आप यूज़ कीजिए, फ्लो को 4 स्ट्रेंथ को 5 रखना है। एंड आप अपने फेस को जितना जूम कर सकते हैं उतना जूम कर लीजिए फोटो को एंड आप इस तरह करके बहुत आसान तरीके से स्मूथ कर सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं कर रहा हूँ। आपको सिंपली इसी तरह करके स्मूथ करना है, जितना आप जूम कीजिएगा ना उतना आपका फोटो में मतलब बढ़िया से स्मूथ होगा। तो देख सकते फ्रेंड्स कितना अच्छे से मैं अपने फेस को स्मूथ कर रहा हूँ। एंड फ्रेंड्स अभी तक ले आपने मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया मुझे तो आप जाके कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम के, आप वहाँ से जाके SMS कीजिए और टाइम मिलेगा फ्रेंड्स तो मैं आपका फ़ोटो भी एडिटिंग करके दूंगा अगर आप बोलेंगे तो, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लीजिएगा, यहाँ से फ्रेंड्स आपको पूरा स्मूथ करना है सही से। तो फ्रेंड्स वीडियो को आपको कंप्लीट वॉच करना है तभी हम आपको फ़ोटो को एडिट करके दूंगा, आपका फ़ोटो जो एडिटिंग करके दूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपको स्मूथ कर लेना है पूरा फ़ोटो को अपने, और फ्रेंड्स आप अगर एडिटिंग सीख जाते हैं तो कितना बढ़िया रहेगा, दूसरे को बोलना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं आप एडिटिंग खुद सीखिए, तो इसलिए कहते हैं फ़ोटो एडिटिंग आप लोग सीखिए, और नहीं सीख पा रहे तो एक बार नहीं दो बार वीडियो को वॉच कीजिए, आप फोटो एडिटिंग सीख जाएंगे, ठीक है। दो बार नहीं हो रहा है 3 बार वॉच कीजिए, आप सही से वीडियो को देखते नहीं इसलिए आप फोटो को एडिटिंग करना नहीं सीख पा रहे हैं, ठीक है।
तो फ्रेंड्स देखिए कुछ इस टाइप से करके आपने फोटो को स्मूथ कर लेना है। एंड आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद होगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, एंड चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर आपको फ़ोटो एडिटिंग कराना है तो आप इंस्टाग्राम पे आके मुझे फॉलो कर लीजिए एंड SMS कीजिए, मैं आपका फ़ोटो एडिटिंग करके दूंगा। और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इरेज करने पे वीडियो कैसे बन जाता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।